को लगता है कि बहुत ज्यादा रश है, दर्शन होगा कि नहीं, तो कुछ आप अगर मैसेज देना चाहें तो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है कि रश बहुत है या क्या पता हमें दर्शन होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप दिल खोल के आओ, नवरात्रों में आओ। इस बार भी पूरी कोशिश है कि जैसे पिछले बार सजाते हैं, इस बार भी सजाया जाए। तक रहता, मतलब जैसे नवरात्र खत्म हो गए 9 दिनों में, तो कितने दिन तक अप्रोक्स रहता है? फ्लावर्स सूख नहीं जाते हैं, हाँ, तब तक रहता है। मतलब अप्रोक्स अगर हम माने तो हार्डली चार दिन तो रहेगा ही रहेगा। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप माँ के दरबार में आओ, माँ का दर्शन पाओ। नवरात्रों में तो बड़ा ही कोई उत्तम या कोई सौभाग्य वाला होता है जो बन आता है ना। बिल्कुल। बाकी तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। दिन रात आए मैया, दिन रात आए, चल चलिए माँ दे द्वारे। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। जैसा कि आपको पता ही है कि सेप्टेम्बर मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अक्टूबर मंथ की शुरुआत होने जा रही है। अक्टूबर मंथ में है माँ भगवती जी के पवित्र पावन नवरात्र। तो इस वीडियो में हम आप सभी से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित अक्टूबर मंथ के साथ साथ नवरात्रि से जुड़ी भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो अगर आप भी आगामी नवरात्रों में या फिर अक्टूबर मंथ में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडियाज़ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माता रानी के दरबार जाने के लिए प्राथमिक जानकारी की। प्राथमिक जानकारी में सबसे पहले आता है आपका सुविधा, आप किस माध्यम से जो है वो माँ भगवती जी के दरबार पहुँच रहे हैं। काफ़ी श्रद्धालु बाई बस जाते हैं, काफ़ी श्रद्धालु बाई फ्लाइट जाते हैं और काफ़ी श्रद्धालु जो है वो बाई ट्रेन जाते हैं। लगभग मोस्टली श्रद्धालु ट्रेन का ही चयन करते हैं। अब देखिए, काफ़ी श्रद्धालुओं की जो होगी वो टिकट पहले से ऑलरेडी बुक होगी, लेकिन कुछ ऐसे श्रद्धालु होंगे जिनका प्लान सडनली बन जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा फेस्टिवल्स के समय में फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाए जाते हैं। जैसे पवित्र पावन नवरात्र हैं तो इन दिनों काफ़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाता है। आपको IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, वहां जाके आपको इंक्वायरी कर लेना, चेक कर लेना कि आपके एरिया से कौन कौन से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है और उसमें टिकट अवेलेबल है, देन अपना टिकट आप उससे बुक कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट हो जाता है। बसेस भी काफ़ी नए नए चलती हैं अलग अलग एरिया से, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और फ्लाइट के लिए तो आपको वेबसाइट पर विजिट करके इंक्वायरी कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और नई प्राथमिक जानकारी की बात करते हैं और वो है कटरा पहुँचने के बाद आपका सिम, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आपके एरिया का कोई भी प्रीपेड सिम वर्क नहीं करता है। या तो आपका पोस्टपेड सिम हो वो वर्क करेगा, या फिर आप वहां जाके कोई प्रीपेड सिम परचेस करते हैं वो वर्क करेगा। तो आपको ये करना है कि या तो अपने घर से अपना सिम पोस्टपेड कन्वर्ट करा लेना है, अगर आप पोस्टपेड कराने में असमर्थ हैं तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच के वहां पर भी प्रीपेड सिम परचेस कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट हार्डली 350 से लेके 400 तक होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान परचेस करते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी रही। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नई प्राथमिक जानकारी की, जिसमें आपका RFID कार्ड आता है। आपको पता होगा कि बिना RFID कार्ड के आप श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन काउंटर पर जाकर RFID कार्ड लेते हैं तो आपके पास एक वैलिड ID होना चाहिए। दरअसल आपको ये करना है कि आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है RFID कार्ड के लिए माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। होता यूँ है कि नवरात्रों के समय में काफ़ी रश बढ़ता है या अक्टूबर में काफ़ी फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उन दिनों भी रश बढ़ता है। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो भी श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं उनके लिए काउंटर पर अलग से विंडो बना दिया जाता है और उनको बहुत ही ईजिली RFID कार्ड भी मिल जाता है। समय समय पर रश बढ़ता है तो श्राइन बोर्ड काउंटर्स को बंद भी कर देता है, लेकिन जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उनको बेनिफिट हो जाता है, उनको RFID कार्ड मिल जाता है और वो अपनी यात्रा की शुरुआत भी आराम से कर लेते हैं।
हैं, तो ये बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं, और आईडी भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें अगर आप आगामी नवरात्रों के समय में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं। टाइमिंग की बात कर लें तो सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको RFID कार्ड मिल जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर नवरात्रों में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से वो जानकारी भी साझा कर देंगे। श्राइन बोर्ड नवरात्रों में काफ़ी बड़ा बड़ा परिवर्तन भी करता है, जैसे टाइमिंग्स बढ़ा देना, काउंटर्स के विंडो को चेंज कर देना। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं को RFID कार्ड मिलता है, जिनके कार्ड के पीछे एक स्टैम्प होता है जिसमें डेट मेंशन होता है, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक भवन पर स्टे नहीं कर सकते हैं, और स्ट्रिक्टली चेकिंग भी हो जाती है। इसीलिए जो भी कुछ नया अपडेट होगा वो हम आगे वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। आने वाली वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखिएगा। 5 साल से ऊपर सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है कि जैसे ही आपकी यात्रा संपन्न हो जाए आप RFID कार्ड श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को रिटर्न कर दें, क्योंकि वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ही संपत्ति है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और नई महत्वपूर्ण जानकारी की, जिसमें आता है ऑनलाइन बुकिंग। वैसे तो आप सबको ये पता ही होगा कि माँ वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप 60 दिन पहले किसी भी सुविधा की बुकिंग, जैसे डॉर्मेट्री हुआ, रूम्स हुआ, बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाओं की बुकिंग्स आप कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वो सुविधा आपको मिलने वाला है नहीं ऑनलाइन, लेकिन आपको चेक करते रहना है। होता क्या है कि काफ़ी श्रद्धालु जो है वो अपनी बुकिंग्स को कैंसिल करते हैं, जिससे वहाँ पर एबिलिटी आ जाता है और श्रद्धालु ईजिली जो है उसकी बुकिंग प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। इसके साथ साथ रोपवे में काफ़ी स्लॉट अवेलेबल होता है, तो आप रोपवे का टिकट और अर्धकुंवारी पर अगर आप आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उसका टिकट आप ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा। होगा यूँ कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो रोपवे के लिए आपको दुर्गा भवन के बेसमेंट में नहीं जाना पड़ेगा, लंबी कतारों से आप बचेंगे। साथ ही साथ आपको बेनिफिट हो जाएगा अर्धकुंवारी गर्जुन गुफा में भी दर्शन करने का, जिससे आपकी ऑनलाइन आरती की पर्ची बुक होगी, तो फिर वहाँ जाकर आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन जो भी सुविधा मिल रहा है उसकी बुकिंग प्राप्त कर लें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यात्रा प्लानिंग की। देखिए, माता रानी की यात्रा हो या किसी प्रकार से कोई भी यात्रा हो, अगर आपकी प्लानिंग है किसी भी यात्रा के लिए तो आपकी यात्रा सक्सेसफुल होगी। इसीलिए अपनी यात्रा का एक प्लान डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी यात्रा कब शुरू करनी है, कहां कहां किस समय पहुंचना है और कब माँ भगवती जी के दर्शन करके वापस आना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ऑनलाइन बुकिंग ऊपर हो चुकी है तो आप स्टे करेंगे, तो फिर आप अपना अलग प्लान डिसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार से कोई बुकिंग नहीं मिलता है तो कोशिश करें कि आप जो है सेम डे यात्रा करके नीचे आ जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भवन में दुर्गा भवन को खोला ही नहीं जाता है, श्रद्धालु की रौनक बढ़ जाती है, इसे अनाउंसमेंट होने लगता है कि आप सब जल्दी जल्दी नीचे जाइए। कोशिश यही करिएगा कि आप जो है वो अपना सेम डे का प्लानिंग ही रखिए अगर आपकी बुकिंग नहीं है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग डिसाइड करके बना के ही जाइएगा। बात करते हैं अर्धकुंवारी पर दर्शन की। आपको पता है कि माँ भगवती जी के पवित्र पावन अर्धकुंवारी पर लंबा लंबा वेटिंग समय का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वेटिंग समय का इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो श्राइन बोर्ड द्वारा एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसमें कि आप गर्वजून गुफा की आरती को अटेंड कर सकते हैं, और आरती अटेंड करने के जस्ट बाद ही आपको जो है वो माँ भगवती जी के पवित्र पावन गर्वजून गुफा से दर्शन करने का मौका मिल जाता है। इसके लिए कोशिश करिए कि ऑनलाइन ही अपना जो है वो बुकिंग कर लीजिए आरती पर्ची को, या फिर आप वहां जाके भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से अपनी बुकिंग करते हैं। और इसके साथ साथ आप भवन के लिए भी आरती को चेक कर लीजिएगा, एबिलिटी होगा तो बुकिंग कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाके पता करना होगा, नहीं तो दुर्गा भवन के रिसेप्शन पे जाके पता करना होगा, वहां से आपको आरती की बुकिंग मिल जाएगी माँ भगवती जी के भवन में। अब बात करते हैं माँ भगवती जी के भवन पे लॉकर की, क्योंकि देखिए दर्शनों से पहले आपको अपना सारा सामान लॉकर में जमा करना होगा। दर्शनों के लिए सिर्फ आप अपना पैसा और प्रसाद ही लेकर जा सकते हैं, तो आपको ये करना है कि आपको भवन पर पहुंचना है, वहां पर आपको पार्वती भवन मिलता है जहां पर आप जाकर अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको दिक्कत होता है तो आप मनोकामना भवन के ऊपर चले जाइए, वहां पर भी लॉकर है, लॉकर नंबर 3 आपको मिल जाता है, जस्ट गेट नंबर 3 के सामने, वहां पर भी जाकर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। और अगर आप रात में दर्शन करते हैं तो आप दुर्गा भवन में भी अपना सामान रख सकते हैं, अपने साथ ताला और चाबी कैरी कर लीजिएगा।
ताला चाबी कैरी करके जाएंगे तो आपको बेनिफिट ये भी होगा कि कहीं पर आप कोई भी लॉकर देखेंगे जो खाली है, वहाँ पर अपना सामान रखकर आप ताला से लॉक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको एबिलिटी नहीं मिलता है तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप भवन पर पहुँची जितने भी प्राइवेट प्रसाद शॉप हैं उनसे प्रसाद को परचेस कर लीजिए और प्रसाद परचेस करने के बाद उनसे रिक्वेस्ट करके अपना सामान उनके पास रख दीजिए। जब आप माँ भगवती जी के दर्शन करके आते हैं तो फिर उनको आप पेमेंट कर दीजिए और अपना सामान ले लीजिए, तो ये भी ऑप्शन आपके पास हो जाता है। दर्शनों की बात कर लेते हैं तो देखिए नवरात्रों के समय में काफ़ी रश होता है और भक्तों को दर्शन करने में काफ़ी ज़्यादा लंबी समय का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि आपको दोपहर के 2 बजे के बाद और रात के 2 बजे के बाद ही माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाना है। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा लंबी कतारों का सामना करना नहीं पड़ेगा और आपको ईजिली दर्शन भी हो जाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा खास ख्याल रख लीजिएगा कि दर्शनों के लिए आपको इसी समय विजिट करना है जो टाइम हमने आपसे शेयर किया है। साथ ही साथ अब बात करते हैं मौसम की, यानी वेदर की, कि माँ भगवती जी के पवित्र पावन दरबार में मौसम कैसा रहेगा आगामी अक्टूबर में। मैं तो आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि अक्टूबर क्या किसी भी महीने की कोई भी करेक्ट वेदर की जानकारी कोई भी आपसे शेयर नहीं कर सकता, आप भी ये जानते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया कि अक्टूबर में मौसम नॉर्मली रहता है, कई बार बारिश भी हो ही जाता है। इसीलिए सेफ्टी मेजर कैरी कर लीजिएगा, जैसे आपका रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़ा। गर्म कपड़ा इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि अक्टूबर मंथ से माँ भगवती जी के नवरात्र शुरू होते हैं और नवरात्र से माँ भगवती जी के पवित्र पावन दरबार में ठंड बढ़ने लगता है। इवन कटरा शहर में भी रात में ठंड लगने लगती है, तो इसीलिए गर्म कपड़ा आपके पास होगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अदरवाइज जितने भी सेफ्टी सामान आपके साथ हैं, जैसे आपका मेडिसिन हुआ वो रख लीजिएगा, बिकॉज वेदर का टेम्परेचर बदलेगा तो आपके शरीर का भी टेम्परेचर बदलेगा, इसलिए आपके साथ ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने पास अपनी आईडी रख लीजिएगा और जो भी आपके ज़रूरत के सामान होंगे वो सब ज़रूर से अपने साथ रख लीजिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आप आराम से माँ भगवती जी के दर्शन कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भोजन की। भोजन बहुत बड़ा फैक्टर होता है पूरी यात्रा का, क्योंकि भोजन से ही डिसाइड होता है कि आप शरीर से कैसे हैं और आप कैसी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए भोजन आपको बिल्कुल लाइटवेट सा लेना है, किसी प्रकार से जैसे डोसा हुआ या कोई भी आपका जो पसंदीदा भोजन है या फिर लिक्विड हुआ। जब आप दर्शन कर लीजिए पूरी तरीके से फ्री हो जाइए, फिर आराम से जो आपको खाना है वो खाइए, लेकिन यात्रा के दौरान आप अपने इस बातों का ध्यान रखिए क्योंकि भोजन से काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती हैं। आप लोग आराम से इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे, तो इसीलिए इस तरह का पूरा सेटअप आप तैयार कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑफलाइन बुकिंग की, क्योंकि मान लीजिए आपको ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिलता तो आप ऑफलाइन बुकिंग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नवरात्रों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफलाइन बुकिंग भी लेना, लेकिन और टाइम अगर आप अक्टूबर में जा रहे हैं, जैसे नवरात्रों के बाद जा रहे हैं, तो आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाना है और वहाँ पर आपको पता करना, अगर सेम डे में अवेलेबल होगा देन आपको हर प्रकार की बुकिंग मिल जाएगी, जैसे डॉर्मेट्री का हुआ, रूम्स का हुआ, हेलीकॉप्टर का हुआ, अटका आरती का हुआ। और बैटरी कार के लिए आपको अर्धकुंवारी बैटरी कार सेक्टर पे जाना पड़ेगा, जो काउंटर बना गया है बैटरी कार का, भवन पर भी बैटरी कार काउंटर है, आप वहाँ पे जा सकते हैं बैटरी कार के लिए। तो ऐसे आप ऑफलाइन बुकिंग भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है भवन पर रुकना कैसे, आपको फ्री में स्टे कैसे करना है। देखिए अगर आपका कोई बुकिंग नहीं है तो आपको करना ये है कि आपको दुर्गा भवन पहुँचना है। नवरात्रों में लगभग 9 बजे के बाद दुर्गा भवन खुलता है, कई बार तो 11 बजे के बाद भी खुलता है, तो आपको दुर्गा भवन पे पहुंच जाना है, वहां पर रुके रहना, वेट करना है, जैसे दुर्गा भवन खुलता है आप वहां जाके स्टे कर सकते हैं। किसी भी कारण से दुर्गा भवन अगर नहीं खुलता है तो मनोकामना भोजनालय के जस्ट नीचे एक फ्री अकोमोडेशन है, फ्री धर्मशाला है, वहाँ पर भी जाके आप निःशुल्क में रुक सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पर आप बहुत ईजिली जो है रुक सकते हैं, अच्छा जगह है, आराम से आप अपना स्टे कर सकते हैं। वैसे माता रानी का भवन तो पूरी तरीके से स्वर्ग है, आप कहीं पर भी रुक जाइए आपके लिए बेहतर ही होगा। कोशिश ये भी कर लीजिएगा कि अपने साथ एक हल्का कम्बल कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि होता ही हुआ है कि भवन पर जब रश बढ़ता है तो कम्बल भी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो रुकना चाहते हैं तो कम्बल कैरी कर लेंगे अच्छा रहेगा। चलिए इस वीडियो में लगभग हमने आपसे संपूर्ण जानकारी शेयर कर दिया है, फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट में आके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां पर हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर देंगे। थोड़ा नॉइस आया होगा तो उसे इग्नोर कर लीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। आने वाले टाइम में जो भी नई बड़ी अपडेट होगी वो सारी जानकारी हम आपसे एज सून एज पॉसिबल शेयर करेंगे और कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई प्यारी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी।